मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. सो यस, लास्ट लेक्चर व्हाट डिड वी डू? वी फिनिश्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑल्सो वी टुक ऑल द केसेस, है ना. हमने केसेस पढ़ लिए सभी, कि कैसे कैसे ग्राफ्स रहते हैं हमारे, जो दो मेन, एक रहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक रहता है वेलोसिटी टाइम. हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमने देखा था, पर उसमें हम ज़्यादा केसेस नहीं देख पाए. तो याद रखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे मेन है, उसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी मेन है. तो उसमें हमने सारे केसेस देख लिए, तो वो लेक्चर आपको फिर से एक बार देखना है. याद रखो, कल का लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 5, वो आपको फिर से एक बार देखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. यस, एंड ऑल्सो वी हैड सीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, देन स्टूडेंट्स, वी हैड सीन द थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस. यस, थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस, है ना. यस, ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस, दे डिस्क्राइब ऑल द मोशन, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो रहता है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, वेर एवर देर इज एक्सेलरेशन, ऑल द मोशन, उसका मोशन में जो कुछ रहेगा, यानी वेलोसिटी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, टाइम रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, ये सभी क्वांटिटीज पूरे डिस्क्राइब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस. मतलब क्या कि एक वैल्यू उसकी नहीं पता है, तो हम उसके दूसरी वैल्यू उस पर डिपेंडेंट ये तीन फार्मूलाज की वजह से हम निकाल सकते हैं. तो एंटायर मोशन इज कवर्ड बाय इन, और इट इज डिस्क्राइब्ड रादर इन दिस थ्री क्वेश्चंस. ओके, सो वी विल टुडे प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस अबाउट दिस, हाउ मोशन इज कम्प्लीटली एबल टू बी अंडरस्टूड. कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर आपको आज का टास्क है एक्सरसाइज बढ़िया से सॉल्व करने का. वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज नाइसली. ओके, गेटिंग स्टूडेंट्स? यस. तो देखो, हम प्रॉब्लम्स लेंगे कुछ. सो द क्वेश्चंस आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड एंड वन बाय वन वी विल सॉल्व देम. ओके, आई विल बी राइटिंग द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड ऑल्सो वी विल बी सॉल्विंग. ओके, सो यू ऑल्सो राइट डाउन विथ मी. ओके, यस. सो दिस इज लेक्चर नंबर 6 इन विच वी हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स नाउ. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग. ठीक है, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है. हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है. वी हैव बीन गिवन विद सर्टन वैल्यूज एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ यू, दैट इज हाउ मच, 0 meters per second. क्वेश्चन नंबर 1, यू इज गिवन 0 meters per second. व्हाट एल्स इज गिवन? एक्सेलरेशन इज गिवन, इट इज कम्स आउट टू बी 3 meters per second squared. एंड देन वी हैव बीन गिवन विद टाइम, दैट इज 10 seconds. ओके, यस, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू यू. फर्दर मोर, यू हैव फ्यू मोर वैल्यूज like the second question. So I'm writing one by one all the questions. And let us see, so that fast forward you can solve. Okay, so write down, u is given as 2 meters per second, acceleration is given as 2 meters per second squared, time is given to be as 8 seconds. Okay, question number 3, initial velocity is given 4 meters per second, acceleration 1 meters per second squared, time 10 seconds. Fourth one, we have initial velocity 5 meters per second, acceleration as 2 meters per second squared, and then you have time to be as 20 seconds. Okay, so these are some equations, and let us solve these all values. And fast forward, everyone got ready? Yes, we have all this. यहाँ पे solve क्या करना है? Values किसकी निकालनी है? तो सिर्फ given है. Yes, the question is solve the following to find final velocity v. Final velocity v and the displacement. Displacement मतलब क्या होता है? कौन सा अल्फाबेट से दिखाते हैं हम? बोलिए S. Yes, is it big? It is given by the value S. So these two are the things that we are supposed to find, the value of v and the value of S. Okay, so let's see how to find it out. Which kinematical equation, students, will you help me? Yes, so let's see how we can do it. Let's see what are the equations. Here equation I'll write, V equals U plus AT. S equals UT plus half AT squared. Okay, so we are having these two kinematical equations. Third equation is also there. But we don't need help of these two. हमें ये दोनों से इसका आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन है, ये फोर प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ये वैल्यूज गिवन है, और ये दो क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं. तो देखो, V का फॉर्मूला में पुट करो ये वैल्यूज और वी की फाइनल वेलोसिटी निकालो. सो आंसर्स, ओके, आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, वी इक्वल्स टू यू प्लस 80. सो वी इक्वल्स यू प्लस 80.
की वैल्यू कितनी है 0 meters per second, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है 3 meters per second squared, टाइम की वैल्यू है 10 seconds. सो फाइनल आंसर इज 0 + anything is 0, सो ये कुछ नहीं मायने रखता है. 3 meters per second squared into 10 seconds, ये सेकेंड्स है हाँ, तो 3 meters per second squared, ये 10 seconds है, तो सेकेंड्स और 1 second कट हुआ, तो आंसर क्या आता है, द वेलोसिटी इज 3 × 10, दैट इज 30 meters per second. सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. यस, बट दे डोंट वॉन्ट इट, they want, they also want one more thing. What is that? Displacement. They also want one more thing, that is the displacement. So let us find what is displacement there. Okay students, so let's see what is the formula for displacement right here. So just pick it up, write it down, put the values, get the answer. S is equals to ut plus half at squared. So what is the value of u? We already know 0. What is the value of time? Time is 10 seconds. Okay, half. What is the value of acceleration? 3 meters per second squared. What is the value of time? 10 seconds. And that's voila, the answer. How to solve this? This is 0. This is half. This is 3. 10 square, anyone? Fast in the comment box. 100, very good. So 53 is a 150 meters. Here you go with the answer. The displacement covered is S equals 150 meters. So this is the answer for the first question. Okay, final velocity and displacement. Let us find the next values for this question. Okay, now we have learned how to find it out. Now let us find it on our own. अपने आप से सॉल्व करना है अभी बच्चों. अब हमने सीख लिया है, अब अपने आप से सॉल्व करेंगे करणार तुम्ही स्वतः. बघूया पुढचा प्रश्न. ये रहा आपके अगला प्रश्न, ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर, ये है वह. चलो ट्राई करो, देखते हैं किसका पहला आंसर आता है कमेंट सेक्शन पे. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. वी इक्वल्स यू प्लस ए टी. यू की वैल्यू है 2 मीटर्स पर सेकेंड, यूनिट्स के साथ रखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 8 सेकेंड्स, सो देयर वी गो, इट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड प्लस 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 8 सेकेंड्स, एक एक कैंसिल हुआ, ये हुआ 2 मीटर्स पर सेकेंड प्लस 2 8 इज 16 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज 18 मीटर्स पर सेकेंड. ये हुई हमारी फाइनल वेलोसिटी, ही आपली फाइनल वेलोसिटी झाली. काय केलं होतं आपण इथे, व्हॅल्यू जस्ट पुट केल्या. यू म्हणजे काय, गाडीची इनिशियल वेलॉसिटी, म्हणजे काय ती गाडी स्टार्टिंगला काहीतरी इनिशियल वेलॉसिटीने होती, है ना, स्टार्टिंगला जी व्हॅल्यू असते ना ती इनिशियल वेलॉसिटी, 2 meters per second ही काय त्याची स्टार्टिंगची वेलॉसिटी आहे. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय, प्रत्येक सेकंदला 2 meters per second अशी ती गाडी काय करते, ॲक्सेलरेट करते. असे किती वेळासाठी करते, 8 सेकंदासाठी करते. 8 सेकंदानंतर 8 × 16 ते वाढणार, पण अगोदरच किती होती, 2 + 16, दॅट इज टोटल इज 18 meters per second. ही त्याची फायनल वेलॉसिटी आली गाडीची, मीटर असतो ना गाडीचा इंडिकेटर असतो ना, मीटर मीटरवर काय असतं ते, स्पीडोमीटर म्हणतात ना दादा, येस, स्पीडोमीटरवर किती असतं, सुरुवातीला 2 meters per second आहे, नंतर 8 सेकंदासाठी काय केलं त्याने, ॲक्सेलरेट केलं आणि स्पीड वाढली आणि 8 सेकंदात स्पीड किती झाली, 18 meters per second. सो हिअर इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस आंसर, राईट. चलो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में हमें v की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, अभी हमको फाइंड आउट करना है s. s माने डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज s? s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, है ना. तो देखो s मतलब क्या, कि ये जब गाड़ी हम देख रहे हैं कि शुरू में वो 2 meters per second थी और 8 सेकंड तक हमने उसको एक्सेलरेट किया है, और फिर उसने वेलोसिटी पता चली उसकी 18 meters per second, पर बाद में ये 8 सेकंड जब हो चुके होंगे तो उसने गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कितना डिस्प्लेस हुआ होगा अपने पहले पोजिशन से अपने आखिरी पोजिशन तक, उसका प्लेस कितना डिसप्लेस हुआ, मतलब कितना चेंज हुआ, दैट इज अमाउंट ऑफ displacement. So that is getting by such formula. So let's put the values, 2 meters per second, u ki value hai, time is given 8 seconds, plus half, the value of x.
acceleration is 2 meters per second. The value of time is 8 meters, 8 seconds squared. So let's put the value and get the answer. So here we have 16 plus 2 to cancel. 8 squared is 64 right here. 64 plus 16, that is 70-80 meters. Isn't it interesting and very easy to solve? Very good. So here you go. तो ऐसे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. चलो बच्चों अपने आप भी सॉल्व करो, बाकी के दो आई विल हेल्प यू अराउंड. आई विल बी सॉल्विंग विद यू, यू हैव टू सॉल्व अलॉन्ग विद मी. ओके दोनों हो गए. अब हम तीसरे प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, व्हाइट बोर्ड पर ये रहा. चलो फार्मूला पता भी, फार्मूला मैंने रब कर दिया आपको, आपको याद हुआ होगा ना, दो बार हमने यूज किए. देखो v इक्वल्स u प्लस ए टी पहला फार्मूला, और दूसरा क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही क्वेश्चन है, यही सीन है, पर वैल्यूज अलग अलग है. शुरू में वो 4 मीटर्स पर सेकेंड था, अब ये 1 मीटर सेकेंड्स पर से एक्सेलरेट हो, पर कितना देर एक्सेलरेट हो गए, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट होगा. ओके सो लेट्स सी हियर, ये गाड़ी है, आपने टाइम देखा, आपने जब टाइम स्टार्ट किया तब ये 4 मीटर्स पर थी, और अचानक 10 सेकंड तक वो 1 मीटर पर सेकंड से, हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर सेकंड से ये वैल्यू बढ़ रहा है. तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और अगला उसके साथ कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ये पूरा सीन जर्नी में, तो ये हमको निकालना है ना. तो हमको पता चला कैसे निकालना है, तो लेट अस पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. राइट, क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव 4 मीटर पर सेकेंड. Value of acceleration is 1 meters per second squared, whereas the value of time is 10 seconds. Put the values, get the answer. 4 plus 10, 14 meters per second. Here we have final value of velocity. Yes, so there we have the next question. The next step is the answer. What is the value of initial velocity? 4 meters per second. What is the time? 10 seconds plus half. What is the value of acceleration here? 1 meters per second squared, and what is the value of time? It's 10 seconds. So here you go, 40 meters per second plus 5, that is, it's squared here. So don't forget to make the squared. So 10 squared is 100 upon 2, 50 meters. So 50, I have written second and second get cancelled. So the answer here becomes 40 meters plus 50 meters, that is 90. Meters. Okay students, did you get it? 40 meters per second into 10 seconds. Here second and second they will get cancelled. They will get cancelled. Here this second get cancelled. Here what is second squared and 10 seconds is there na time. It's second squared and this second squared also get cancelled. Okay, I will solve this part once more just so that you will get the clear idea of how to cancel the units. Okay, 90 meters, I'm solving it again. So just see how I'm doing. The value of u is 4 meters per second. What is the value of time? It is 10 seconds plus half. What is the value of acceleration? 1 meters per second squared. Okay, and time is 10 second squared. Okay, so here 4 meters per second into 10 seconds, second cancel, plus half 1 meter per second squared into 10 sa square kiti 100, second sa square second squared. Chala ata kapa kapi kara means what? Cancellations, right? So we have this answer, 4 tens of 40 meters, and here we have 50 meters. So the answer is 90 meters. Okay, crisp and beautifully solved, right, for you. Okay, this is the third one. Let's see the fourth question on the screen. Pause the screen, pause the video, and write the answer. Yesterday's videos were lengthy, today I'll keep it short. Okay, let's go for the question number 4. You've done with this. Here we have the question number 4. Okay, see, again value same, v equals u plus at. Here we have initial velocity, the body. Body, gaadi kya kar diya? Hi gaadi hai. Gaadi kya kar diya? 5 meters per second ne baghitla. Tumcha ghadyal clock start kela tumhi.
क्लॉक स्टार्ट केला स्टार्ट गो आणि त्या बघितलं की त्याची स्पीड किती होती 5 मीटर पर सेकंड. पण नंतर काय केलं 20 सेकंद बापरे तोपर्यंत ॲक्सेलरेट करायचं आहे. कसं ॲक्सेलरेट करायचं आहे 2 meters per second squared. 2 meters per second squared मीन्स ईच अँड एव्हरी सेकंद 2 meters per second त्याची स्पीड वाढवायची. अजून 1 सेकंदनंतर म्हणजे पहिल्या सेकंदनंतर स्पीड किती होईल 5 meters per second + 2 7. अजून 1 सेकंदनंतर +2 9. अजून 1 सेकंदनंतर 11 13 15 17 19 21. असं असं 20 सेकंद्स प्रत्येक सेकंदमध्ये होणार आहे. This is mean by acceleration. See the formula for acceleration is, see the unit, 2 meters per second squared, na? What is acceleration? Students, do not forget, what is acceleration? Velocity, change in velocity upon time, na? Manje velocity change hoti hai na? The velocity kasi change hoti hai? 2 meters per second ni thi change hoti hai. Passion hai? 2 meters per second ni velocity kaali, aata kai tari hai? Thoda hai ni kai tari hai. आता कितीतरी मीटर्स पर सेकंद आहे. आता कितीतरी देर इज सम मीटर्स पर सेकंद व्हॅल्यू नाव अँड आफ्टर 1 सेकंद इट इज अगेन गोइंग टू बी सम मोर मीटर्स पर सेकंद. सो आफ्टर ईच अँड एव्हरी सेकंद द व्हॅल्यू ऑफ स्पीड इज इन्क्रीजिंग इन मीटर्स पर सेकंद. म्हणजे प्रत्येक सेकंदानंतर त्याची स्पीड अजून एक 2 meters per second ने वाढणार आहे. सो 2 meters per second त्यामुळे आपण शॉर्टमध्ये त्याला म्हणतो 2 meters per second squared. दिस इज द फॉलो थ्रू फॉर दिस. ओके चलो उसका आगे हम देख रहे हैं. यू की वैल्यू है 4 meters per second. ये 5th क्वेश्चन है तो हम यही सॉल्व कर रहे राइट. 5 meters per second प्लस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 2 meters per second squared और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स राइट. तो हम ये हमने उसी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे. 5 meters per second + 2 meters per second squared × 20 सेकेंड्स है ना. 1 सेकेंड 1 सेकेंड गया ये कितना हुआ 5 meters per second + 5 × 2 = 10 = 40 meters per second. द आंसर इज अगेन 90 45 राइट. 45 meters per second इज द फाइनल स्पीड है ना. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग. ओके स्टूडेंट्स इज इट ओके. यस तो चलो लास्ट वन देखते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट राइट. यस एस इक्वल्स ut + ½ at² देखो वैल्यूज पुट करो 5 meters per second एम कितना है 20 सेकेंड्स है प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 meters per second squared और टाइम कितना है 20 का स्क्वायर. बढ़िया प्रॉब्लम है बहुत बढ़िया है ये. बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे हम. 440 meters. ओके सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ कभी 20 सेकेंड के बाद हमारा ये होगा डिस्प्लेसमेंट. सो गो स्टूडेंट्स गेट टू नो दैट सच प्रॉब्लम्स विल बी देयर मैनी. सो यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स वेरी केयरफुली. और तो और यहाँ पे आपको सभी टाइम दिया रहेगा तो ये स्टैंडर्ड है मीटर्स पर सेकेंड तो ही ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा. ये मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है तभी ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होगा. ऑल दिस हैज़ टू बी इन मीटर्स पर सेकेंड. ये ऑल दिस हैज़ टू बी इन मीटर्स पर सेकेंड और ये सेकेंड मीटर सेकेंड में ही रहना चाहिए तो ये यूनिट कैंसिल होता है. अगर ये सेंटीमीटर्स में है कोई तो डिस्टेंस और अलग मीटर्स पर सेकेंड में है और ये आर्स में है तो ये नहीं चलेगा. ओके दिस हैज़ टू बी इन वन सिस्टम ओनली मीटर्स और सेकेंड में ही रहना चाहिए. ओके सो वी हैव फाउंड दिस ऑल द आंसर्स. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं. फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इफ टाइम इज नॉट गिवन है ना. यस हमें फाइनल
cases, we use a third kinematic relation, that is v square equals u square plus 2as. Yes, so these are the values, है ना? तो देखो values क्या है question, ये formula है हमारे values, देखो क्या है. The question is, मैं questions लिख रहा हूँ board पे, आप लिख लेना. देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है हमें. ये फार्मूला देख के हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम ही नहीं दिया है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, टाइम नहीं दिया तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते है ना. सो वी कैन यूज फॉर आंसर्स फॉर फर्स्ट वन. फर्स्ट वन का आंसर देखो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. यू की वैल्यू कितनी, इनिशियल उसका स्पीड कितना था 2 मीटर्स पर सेकेंड था, तो उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 और एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 है ना. वैल्यूज के साथ रखेंगे 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स. 2 का स्क्वायर हुआ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 10 इज 80. तो 80 मीटर्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर हुआ 84 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हुआ वी स्क्वायर का वैल्यू, तो वी का वैल्यू कितना हुआ, अंडर रूट 84. सो नाउ अगेन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है, तो ये क्या हुआ 84 और स्क्वायर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 84. मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे ना हम, तो एक पावर निकल जाएगा, सो इट विल बी मीटर्स. सेकेंड स्क्वायर्ड का है तो ये भी क्या होगा, उसका एक पावर निकल जाएगा, तो ये होगा सेकेंड्स. आपको क्या मालूम है, 81 का रूट मालूम है कितना, 9 होता है, तो 84 का कितना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सो वी कैन राइट 9.1. सो द आंसर इज 9.1 मीटर्स पर सेकेंड. तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, 2 मीटर्स पर सेकेंड थी, और जब ये एक्सेलरेट हो रहा है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, और जैसे कि वो 10 मीटर ही कवर कर रहा है, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 9.1 मीटर्स पर सेकेंड. ये याद रखना ये वैल्यूज है. ओके यस, सो वी हैव दिस इज द फर्स्ट आंसर. देखो सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन का आंसर देखना है. सो यू इज गिवन 3 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज गिवन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 10 मीटर्स. सो फाइंड वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. यू की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स. चलो इसका वैल्यू निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 10 40 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैं क्यों मल्टीप्लाई कर सक रहा हूँ, बिकॉज यहर मीटर एंड यहर इज ऑल्सो मीटर, सो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर हुआ, सी इज वी स्क्वायर. सो 40 प्लस 9 कितना होता है, 49 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एनीबडी नोज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, यस दैट इज 7. सो फाइनल वी इज अंडर रूट ऑफ 49 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वी इज व्हाट, 7 मीटर्स पर सेकेंड. वी इज हाउ मच, 7 मीटर्स पर सेकेंड. यही बात समझ में, यस. सो दिस इज द
आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू याद रखो थोड़ी माइनस में, तो माइनस में तो संभल के करना पड़ेगा. यस, सो लेट अस सी स्टूडेंट. माइनस की वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है ना. माइनस की वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है. सो डोंट वरी, वी कैन फाइंड इट, स्टिल फाइंड आउट द आंसर. ओके, सो वी हैव वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सेम फॉर्मूला, माइनस टू का माइनस टू मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलेशन कितना है? 1 मीटर्स पर सेकेंड. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर्स. माइनस टू का स्क्वायर 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 20 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कितना होता है? 24 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हुआ वी स्क्वायर. तो यहाँ पे स्क्वायर होगा. तो देखो ये कितना है? अंडर रूट 24 मीटर्स पर सेकेंड. अभी 24 का रूट आपको नहीं पता है, पर आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ 25 इज 5. सो अंडर रूट ऑफ 24 क्या होगा? 5 से थोड़ा कम, मतलब कितना होगा? 4.9. तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 4.9 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस हाउ टू आंसर दिस एक्सरसाइज. आपको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. देखो एथलीट पहला क्वेश्चन देखो. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको पूरा एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करना है. और आप डाउट सेशन में नहीं आते हो, डाउट सेशन पे आना है, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स जो हम लोग हर रोज़ दे रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सभी सॉल्व करने हैं आपको खुद से. फिजिक्स इज इम्पॉर्टेंट, सो ऑल दैट यू हैव टू सॉल्व, देन ओनली यू विल गेट डाउट्स. यू आर नॉट आस्किंग डाउट्स, है ना. सो आपको ये डाउट्स कर अच्छे से सॉल्व करना है. ओके एवरीवन, प्रॉमिस मी दैट यू विल सॉल्व मैनी क्वेश्चन एंड यू विल आस्क द डाउट्स. या सी द फर्स्ट क्वेश्चन. An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? Okay? Yes. Exercise. First question, that an athlete is there, he completes circular track hai. Ek circular aise track hai. ओके, यस. और ये सर्कुलर ट्रैक पे एक एथलीट है ऐसे वो दौड़ रहा है इसके ऊपर. तो इसका क्या दिया हुआ है? इसका डायमीटर दिया है कितना? 200 मीटर. दिस इज गिवन 200 मीटर. कवर्स सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड्स. ये पूरा राउंड मारता है, तो टाइम कितना लेता है? 40 सेकेंड्स लेता है पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए. ये डायमीटर है. हाँ, तो क्या पूछा है कि ये 40 सेकेंड्स में पूरा अगर सर्कल कवर कर रहा है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. सो द क्वेश्चन इज कि ये ऐसा ट्रैक है, इसका डायमीटर 200 मीटर है और वो 40 सेकेंड्स पे कवर कर रहा है. व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस भी पता करो, डिस्प्लेसमेंट भी पता करो. कब? आफ्टर 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. दिस इज द क्वेश्चन. 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. द क्वेश्चन इज 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. दिस इज द क्वेश्चन. सो हाउ टू गेट ओवर दिस आंसर. इसका आंसर कैसे पता करेंगे? चलो देखो इसका क्या दिया हुआ है. कैपिटल टी. व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी इज द टाइम टेकन. कैपिटल टी इज व्हाट? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर जर्नी. पूरा एक चक्कर लगा रहे वो, तो 40 सेकेंड ले रहा है. तो याद करो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था हमने. व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल? ज्योमेट्री में आपने सीखा है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला. यस, एनीवन कैन रिपीट एंड टेल मी द आंसर इन कमेंट्स. द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, है ना. इधर हमने स्केल रखा और ऐसे ऐसे क्या 1 सेंटीमीटर, 1 सर्कुलर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. सर्कुलर स्केल तो नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? एक डोरी है जी, और एक क्या बोलते हैं धागा लेंगे और धागा के यहाँ पे रखेंगे और ये पूरा इसको ऐसा राउंड करके यहाँ तक ले आएंगे.
और ये पूरा धागा को हम स्ट्रेच करके उसका लेंथ गिनेंगे, तो वो लेंथ कितना आएगा, तो वो लेंथ होगा इसका सर्कुलर ट्रैक का लेंथ, और वो लेंथ होगा इसका सर्कमफेरेंस। और ये सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, पूरा ऐसे सर्कुलर स्केल हर वक्त धागा लेके करेंगे क्या? हर वक्त आपको धागा नहीं मिलेगा। तो अब तब हम क्या करेंगे, आपको ये फार्मूला दिया हुआ है सर्कमफेरेंस का, उसका फार्मूला देखो क्या है, 2 into pi into r। यहाँ पे r मतलब क्या है, उसका रेडियस। तो आपको रेडियस मालूम है क्या? नहीं मालूम है, उसका डायमीटर मालूम है। तो डायमीटर अगर मालूम है तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है। रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर कितना है 200 meters, तो रेडियस कितना होगा 100 meters। तो देखो 2 pi की वैल्यू आपको याद रखनी है, पाई मतलब एक नंबर है, उसका वैल्यू है 22/7। पाई इज इक्वल्स टू 22/7। इफ यू डोंट लाइक टू राइट 22/7, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 3.142 भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा आंसर एक्यूरेट चाहिए तो, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको 22/7 मेरे को मल्टीप्लाई करना, 7 से डिवाइड करना से अच्छा मेरे को 3.142 लग रहा है फिलहाल, तो मैं इसको 3.142 लिखूंगा या 3.14 ही लिखूंगा सिर्फ। तो ये हुआ मेरा आंसर इसका सर्कमफेरेंस का। तो ये कितना हुआ सर्कमफेरेंस 3, ये देखो ये 0 है, ये 0 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, और ये पॉइंट है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट कहाँ जाता है, राइट हैंड साइड पे जाता है। तो 3.14 into 100 कितना हुआ 314, यहाँ पे क्या है 2 है, तो आंसर कितना हुआ 628 meters, आंसर कितना हुआ 628 meters। व्हाट इज 628 meters, 628 meters इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है 628 meters। यस, तो ये 628 मीटर्स कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है, 40 सेकेंड्स उन्होंने दिया है। ओके, सो टाइम इज गिवन टू यू, दैट इज हाउ मच 40 सेकेंड्स। सो व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, ये याद, ये इतना लिख लो पॉज करके, हाँ जल्दी आएंगे हम नीचे। ओके, आई एम रबिंग दिस पार्ट। सो यू गॉट टू नो द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस लिख लिया ना आपने, यस। तो याद रखो 628 मीटर्स आपने लिख लिया है। या तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अब ये यूनिडायरेक्शनल है क्या, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, ये तो सर्कुलर है, हमेशा सर्कुलर का हमने देखा था, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, और ये सर्कुलर है मोशन, तो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस नहीं होता है, क्या वन डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे तब डिस्टेंस मेजर करेंगे, नॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। व्हाट इज डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक पे कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हमने देखा एक सर्कुलर, एक पूरा सर्कुलर ट्रैक का कितना था 628 meters, और टाइम कितना लगा 40 seconds, है ना, यस। हाँ, तो इसका स्पीड कितना हुआ ये कैलकुलेट करो आप, तो ये स्पीड हुआ मीटर्स पर सेकेंड में, आपको स्पीड मिल गया जाएगा मीटर्स पर सेकेंड में, तो ये एथलीट का स्पीड पता चलेगा आपको। ये से 40 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 628 meters कवर कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखो 40 है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 40 है मतलब 4 into 10 है ना, 4 into 10 है, तो 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे 628 को, तो ये क्या बनेगा 62.8, और अपॉन क्या होगा 4, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 4 22, 4 5 20, 28 4 7 28, तो 15.7 meters पर सेकेंड इसकी क्या हुई वेलोसिटी हो गई, क्या हुई वेलोसिटी, कितनी हो गई 15.7 meters पर सेकेंड्स, है ना, यस 15.7 मीटर्स पर सेकेंड इसकी क्या हो गई वेलोसिटी हो गई। आई बात समझ में, यस। इफ यू हैव गॉट द वेलोसिटी देन यू कैन कवर द, यू कैन कैलकुलेट व्हाट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको हमको पता चलेगा कैसे, देखो आपको ये क्या मिल गई वेलोसिटी मिल गई ना, ये स्पीड मिल गया, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, और यू कैन राइट इट नाउ, ये डिस्टेंस है तो ये क्या हुआ स्पीड होगा, तो स्पीड कितना हुआ
वेलोसिटी कट करो और वहाँ पे लिखो स्पीड. क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इट इज़ नॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो व्हाट यू राइट इट इज एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट रहता तो ये क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, वेलोसिटी लिखते हैं. सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला सेम है, दैट इज स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड कितना है देखो, 15.7 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स. सो अगर ऐसा टाइम रहेगा ना तो यू कैन नॉट पुट द वैल्यूज, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, क्योंकि ये मिनट में है. तो मिनट में होगा तो हम इसे कन्वर्ट करना पड़ता है ना. हाउ मच इज दैट, तो 2 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 20. एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60. तो 2 मिनट्स में कितने होते हैं, 60. एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स. तो 2 मिनट में कितना होता है, 2 इंटू 60. इन 1 मिनट यू हैव 60 सेकेंड्स, सो इन 2 मिनट्स यू विल बी हैविंग 2 इंटू 60, दैट इज 120. और 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो और 20 सेकेंड्स है, तो टोटल टाइम कितना हुआ आपके पास, ये हुआ स्पीड. और टाइम कितना हुआ, 120 प्लस 20 140. तो इसको हम सॉल्व करेंगे और ये जो आंसर रहेगा वो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड रहेगा. सो व्हाट इज डिस्टेंस, वन, देखो ये 140 है ना, तो ये क्या हुआ, ये जीरो मतलब 10 है, तो 10 से हम अगर पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जाता है राइट हैंड साइड. तो द आंसर विल बी व्हाट, 157 इंटू 14. इसको कैलकुलेट करो, 157 इंटू 14, 14 सेवन जा बोलो कितना होता है, 98 ना, 8 9 कैरियर, 14 फाइव जा 70 प्लस 9 79, 14 वन जा 14 प्लस 7 21 है ना, 14 सेवन जा करेक्ट है ये फॉर्मूला. 14 फाइव जा 70 होता है, 14 टू जा 20 98 8 9 कैरियर, 50 फाइव जा 70 प्लस 9 79 7 14 वन जा 14 प्लस 1 2198. सो व्हाट इज द आंसर, 2198 मीटर्स. ये हुआ उसका डिस्टेंस, ये हुआ उसका डिस्टेंस ट्रैवल. तो इतने टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये आदमी, ये एथलीट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2.198 मीटर्स, और सॉरी 2198 मीटर्स. गेटिंग, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से देख लेना, एक बार फिर से मैं बताऊंगा. तो आपको क्या दिया है यहाँ पे, उसका स्पीड दिया है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है, 628 मीटर्स हमने देखा एक सर्कल में, तो टाइम लगता है 40 सेकेंड्स. तो इससे हमारा स्पीड पता चला उसका आदमी का, क्योंकि गिवन है ना, एक चक्कर लगाने के लिए 40 सेकेंड्स लग रहा है, एक चक्कर में डिस्टेंस होता है 628 मीटर्स, टाइम है 40 सेकेंड्स. तो वो रेट से हमको पता चला स्पीड इज 15.7 मीटर्स पर सेकेंड. देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, वेयर इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस स्पीड कितना है, 15.7 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स. तो मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो और हमें पता चला कि डिस्टेंस है 2198 मीटर्स. यस, ओके. तो ये हुआ हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस पता चला. यस, अभी हमको पता करना है डिस्प्लेसमेंट. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है तो ये जितना भी कवर करेगा ना वो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, वो सब थ्रेड में काउंट होगा. पर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ गया, तो डिस्टेंस मतलब ये पूरा जर्नी. और डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ से यहाँ का अंतर, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट. और ये क्या हुआ, डिस्टेंस. अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है सो दिस इज एंटायरली इज अ डिस्टेंस, वेर एज दिस विल बी इट्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. डिस्टेंस मतलब एक्चुअली वो कितना पाथ ट्रेवल कर रहा है. पर अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट होके फिर से यहीं पे आ गया तो डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस के लेंथ जितना. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से फिर से यहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट वहीं पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वहीं पे आ गया तो इधर से इधर तक ही, मतलब इधर से उधर तक ही डिस्टेंस ही नहीं हो रहा है, ट्रैवल ही नहीं रहा है, सो डिस्टेंस विल बी जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट एट द सेम पॉइंट इज अगेन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, हियर द टू पॉइंट्स आर सेम, सो देयर इज नो difference in the path, so the displacement will be zero, है ना. तो हमको क्या करना है कि 40 seconds का time लग रहा है उसको फिर से वही position पे आने के लिए, because what is they have given,
40 सेकेंड्स लगता है पूरा चक्कर मारने में, है ना। तो 40 सेकेंड्स के बाद ये वहीं पे आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि आफ्टर 40 सेकेंड्स द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, मोर 40 सेकेंड्स आफ्टर इट विल अगेन कम देयर ओनली, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो व्हाट यू विल डू, टोटल टाइम इज हाउ मच, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मीन्स हाउ मच सेकेंड्स, means 140 seconds, means how much seconds, 140 seconds. So the total time you have is how much seconds, 140 seconds. So 140 seconds में कितने बार 40 seconds आ रहा है ना, वो फिर से उधर तक displacement क्या होगा, zero होगा। तो ये part मैं रब करके अलग solve करने जा रहा हूँ, okay? ये देखो यहाँ से ये 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो यहाँ से ये फिर से यहाँ तक आ गया और 40 सेकेंड्स, तो हमारे पास 140 सेकेंड्स है, क्योंकि 140 सेकेंड मतलब क्या, 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद में हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड मतलब 140, तो हो गए 140 सेकेंड्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40 + 40 = 80 + 40 = 120 + 20, है ना। तो ये फर्स्ट 40 सेकेंड्स में यहीं पर आ गया, और 40 सेकेंड्स में ये कहाँ पर आ गया, ये सर्कल ट्रैक, और 40 सेकेंड्स कितने हुए, 80 सेकेंड्स हो गए, और 40 सेकेंड्स में ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, और 40 सेकेंड्स हो गए, तो और मतलब कितने हुए, 120 सेकेंड्स हो गए, फिर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ज़ीरो हो गया, और लास्ट में बचे कितने, 140 में से हमारे लास्ट को 20 सेकेंड्स बच गए ना, 120 निकल गए, तो फिर से वही पे आ गया 40 सेकेंड्स में एक चक्कर, और 80 सेकेंड्स में उधर जाए, और 120 सेकेंड्स उधर ही आया, तो और 20 सेकेंड्स में कितना चक्कर करेगा कवर। तो देखो 40 सेकेंड्स में वो पूरा सर्कल कर रहा है, तो 20 सेकेंड्स में वो कितना सर्कल करेगा, वो आधा सर्कल करेगा। सो 40 सेकेंड्स इट कवर्स व्हाट, इट कवर्स वन सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr। सो इन 20 सेकेंड्स इट विल कवर हाउ मच, हाफ सर्कमफेरेंस, तो वन सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना था, 628 मीटर्स था, याद करो, तो हाफ सर्कमफेरेंस कितना होगा, 628 / 2 मतलब कितना होगा, ये 314 मीटर्स, याद करो ये फॉर्मूला सर्कमफेरेंस का, है ना। ये पूरा 628 मीटर्स का जर्नी था, तो 20 सेकेंड्स में कितना कवर होगा, सिर्फ आधा, मतलब दिस विल कवरिंग ओनली 314 मीटर्स, ओके, समझा ये बात आपको। सो दिस इज दैट वे टू सॉल्व, इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ एल्स कैन वी सॉल्व दिस, सो वी कैन, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहीं से स्टार्ट कर रहा है 20 सेकेंड्स, 0, 80 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, 140 सेकेंड्स, सो यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 314 मीटर्स, ये डिस्टेंस हुआ कवर करने वाला, पर हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, इसके डायमीटर के इतना होगा, तो दिस डायमीटर इज हाउ मच, 200 मीटर्स ओनली। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 120 सेकेंड्स, इट विल बी हाउ मच, 200 मीटर्स। सो आफ्टर 140 सेकेंड्स डिस्टेंस इज हाउ मच, 628 + 628 + 628 + 314, जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट कर किया था वो कितना था, 628 + 628 + 628 + 314, इसको हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 2198 आया था, है ना, जो ऐसे अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमको क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे, तो इनिशियली और फाइनली के बाद के बीच में पोजिशन जो कुछ रहेगी ना, उसमें का शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होता है 200 मीटर्स। सो s इज इक्वल्स टू हाउ मच, 200 मीटर्स, तो सिर्फ इतना आंसर है हमारा, ओके, याद करो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, डिस्प्लेसमेंट मीनिंग मीन्स व्हाट, दैट डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, वो होता है यहीं से। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया सब,
क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया. नाउ इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, है ना. जब ये हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कवर करता है, दैट मीन्स दैट द पॉइंट इज एग्जैक्टली एट द अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट. द पॉइंट इज एग्जैक्टली एट द अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट, हेंस द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर्स, दैट इज 200 मीटर्स. थैंक यू. सो यू आर सपोज टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट.